वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डेट है 18 अक्टूबर 2020। आज हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे टाटा स्टील का। एक हल्की सी नजर हम टाटा स्टील के फंडामेंटल्स पर डाल देते हैं, जहां पर मार्केट कैपिटल 44,816 का है। वहां पर अगर हम देखेंगे आरओई जो है वो -0.89% है और डेप्ट टू इक्विटी 1.63 हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक भी गिरवी रखने पड़े हैं 3.37%। और कंपनी के ऊपर अगर हम डेप्ट की बात करेंगे लोन की, तो वो 1,16,328 है, जहां पर कंपनी का कैपिटल ही 44,816 का है। तो जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का डेट हमें देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग उस पे कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। और अभी चलते हैं हम मंथली चार्ट पे। ये टाटा स्टील का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे अगर हम एक नजर डालें तो ये एक सपोर्ट प्राइस है 213 का। स्टॉक जब इस सपोर्ट प्राइस पे आया था तो यहाँ से एक हल्के से स्विंग लो बना, तो एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था 561 के। फिर स्टॉक जब नीचे आया ऑन मंथली, ये मंथली चार्ट है, और स्टॉक का जब प्राइस नीचे गिरा तो फिर से वही प्राइस जो 216 का है उस पर आकर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से एक प्रीवियस हाई से हायर हाई बनाया, और जो कि प्राइस है इसका 784 पे इसने ट्रेड किया था। लेकिन 2018 से हम लगातार इस स्टॉक में एक गिरावट देख रहे हैं, और 700 के ऊपर जिस स्टॉक ने ट्रेड किया था उस स्टॉक ने ऑन मंथली बेसिस पे हमें 2018 से यहाँ पर गिरावट दिख रही है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक लोअर लो ये स्टॉक बनाते गया, एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, फिर से उसी सपोर्ट प्राइस पे स्टॉक का प्राइस आया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मंथली डिमांड जोन था, स्टॉक ने जब एक लोअर लो बनाया तो अपने मंथली डिमांड जोन में प्रवेश किया, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं हमें रैली देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगल है, ये जो बड़ा रेक्टेंगल रेड कलर का दिख रहा है, ये मंथली सप्लाई है, और इस मंथली सप्लाई में भी स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट टू मंथ के ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स अगर हम देखें तो वहां पर प्राइस ने मंथली सप्लाई में एंटर किया और स्टॉक का प्राइस नीचे आया। इन्हीं सब चीजों को हम वीकली चार्ट पे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट है और यहाँ पर हमने प्रीवियस टू लोज को कनेक्ट करके, जो लेटेस्ट टू लोज है उनको कनेक्ट करके वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो वीकली ट्रेंड अप है, इस स्टॉक का मंथली ट्रेंड डाउन है। और आपने हमेशा सुना होगा ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, तो यहाँ पर जब भी हम कोई ट्रेड ऐसे स्टॉक में लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस वीकली ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मंथली ट्रेंड डाउन है लेकिन वीकली ट्रेंड अप है। और अब यहाँ पर वीकली ट्रेंड में यहाँ पर देखिए एक वीकली डिमांड जोन है जो कि 285 से 269 का है, और यहाँ पर एक वीकली सप्लाई है जो 436 से 423 के बीच में एक हमें वीकली सप्लाई दिख रहा है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर देखते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डेली ट्रेंड डाउन है, वीकली ट्रेंड ही सिर्फ अप है, मंथली और डेली ट्रेंड डाउन है। तो इस कंडीशन में अभी ये जो स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है 393, तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये फिर से अपने वीकली सप्लाई तक 400 का जो प्राइस है 424 तक ये स्टॉक आ सकता है, और यहां से फिर से हमें एक हल्का फुल्का करेक्शन और इस वीकली ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक फिर से एक हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये डेली डिमांड जोन है 356 से 344 का, और जहां पर स्टॉक का ट्रेंड यहां पर हमें क्लियर नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें दिख रहा है, लेकिन अगर मंथली चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है।
तो ये था एक सिंपल सा टाटा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस विद फंडामेंटल। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।